दोस्तों कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं। इन बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो नुकसान होने का चांस ना के बराबर होता है, हमेशा आपको प्रॉफिट देखने को मिलती है। और इन बिजनेस में आपको अपना पैसा 3 से 4 महीने या 5 महीने तक के लिए लगाना होता है, और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत 1.5 से 2 गुनी हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई चीज 500 रुपए की खरीद रहे हैं तो 700 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की वह आसानी से बिक जाती है, और कभी कभी तो वह 1,500 रुपए तक में बिकती है। इतना अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है, तो क्यों ना आप एक बार इसका बिजनेस करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आलू बिजनेस की। आप देख सकते हैं कि आलू की खुदाई चल रही है, या आप देख रहे हैं जो साइड में वीडियो दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं आलू के अभी खेतों से खुदाई चल रही है। कुछ जगह तो आलू की खुदाई पूर्ण रूप से खत्म भी हो चुकी है। अभी अगर आप मंडी में जाएंगे तो आपको आलू काफी सस्ता मिल जाएगा, काफी कम कीमत पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप खेतों से जाकर किसानों से डायरेक्ट आलू खरीद सकते हैं, यानी कि आप किसानों के पास जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आलू खरीद सकते हैं, और इस आलू को ले जाकर आप कोल्ड स्टोरेज में रखवा देंगे। यानी कि आपके पास जो भी कोल्ड स्टोरेज है वहां पर रखवा दीजिएगा, 3 से 4 महीने बाद इसी आलू की कीमत 2 गुनी तक हो जाती है, कभी कभी इससे भी ज्यादा देखने को मिल जाती है, और वहां से आप निकाल करके सीधा मंडी में ले जाकर इसे सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप शुरुआत अभी कर सकते हैं, और केवल आपको 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए की शुरुआत से इसकी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ज्यादा पेमेंट नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप कम से कम 50,000 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं या 1,00,000 से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप इस बिजनेस में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए भी लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको माल खरीदना है मंडी में जाकर, और इसको ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में रखवा देना है, क्योंकि आलू हमें साल भर आवश्यकता पड़ती है, साल भर इसको खाया जाता है, इसलिए इसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है।